हेलो फ्रेंड्स, मेरा पास रियलमी का एक स्मार्टफोन है, रियलमी C55। तो इस फोन को अगर आपको रीसेट करना है तो कैसे करना होगा? कभी कभी क्या होता है, सेट पर जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स आपको मालूम नहीं होता है, आपने क्या छेड़छाड़ कर दिया। अगर आपने ऐसा कुछ कर दिया तो उस सेटिंग्स को रीसेट कीजिए, आपका सेट पर जितना भी सेटिंग्स आपने गलत कर दिया वो सही हो जाएगा। कभी कभी ऐसा भी करना होता है, सेट को रीसेट करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि सेट पर जितने भी डाटा है वो डाटा को क्लियर करना होता है। तो क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, सेट पर एक ऑप्शन रहता है हार्ड रीसेट, तो करना होगा आपको हार्ड रीसेट। तो हार्ड रीसेट करने के लिए आपको ओपन करना होगा सेटिंग्स को। सेटिंग्स पर आपको मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स, नहीं तो आपको मिलेगा सिस्टम। एडिशनल सेटिंग्स को ओपन करना होगा। अगर एडिशनल सेटिंग्स नहीं मिलता है तो आपको मिलेगा सिस्टम, तो सिस्टम को आपको ओपन करना होगा। तो देखिए, तो एडिशनल सेटिंग्स पर मिलेगा आपको बैकअप एंड रीसेट। तो बैकअप एंड रीसेट पर प्रेस करना होगा, तो रीसेट फोन मिलेगा, तो रीसेट फोन पर प्रेस करना होगा। अगर आपका फोन पर नेटवर्क की कोई भी इशू हो रहा है तो आप नेटवर्क रीसेट कर सकती हो। रीसेट नेटवर्क सेटिंग्स पर प्रेस करना होगा, आपका जो लॉग देना होगा आपका सेट पर, जो नेटवर्क का जो सेटिंग्स है वो रीसेट हो जाएगा, आपका फोन पर कोई भी डाटा क्लियर नहीं होगा। रीसेट ऑल सेटिंग्स करने से क्या होगा, आपका फोन पर जितने भी डाटा है वो क्लियर नहीं होगा और आपका सेट पर जितने भी सेटिंग्स है सेटिंग्स डिफॉल्ट पर आ जाएगा। आपने जो चेंज किया सेटिंग्स पर फर्स्ट मोबाइल लेने के बाद, आपका फोन पर जो सेटिंग्स था उस सेटिंग्स पर फोन चलाएगा और आपका सेटिंग्स डिफॉल्ट हो जाएगा। अगर आपको आपका सेट पर जितने डाटा है सभी डाटा को क्लियर करना है, फोटोज, वीडियोस, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट, जितना भी सेटिंग्स है सब कुछ क्लियर करना है, तो एडिट ऑल डाटा करना होगा, आपका लॉक देना होगा। इससे पहले आपको और कुछ सेटिंग्स करना होगा, बैक कीजिएगा। अगर आपका फोन पर गूगल अकाउंट है, गूगल अकाउंट को आपको रिमूव करना होगा, नहीं तो FRP लॉक हो जाएगा। तो देखिए सेटिंग्स को मैं ओपन किया, तो देखिए सेटिंग्स को मैंने ओपन किया, सेटिंग्स ओपन होने के बाद सेटिंग्स पर मिलता है यूजर एंड अकाउंट, तो यूजर एंड अकाउंट पर प्रेस करना होगा। इधर जो अकाउंट है अकाउंट को पहले रिमूव कीजिए, रिमूव करना होगा, अकाउंट को रिमूव करके आप फोन पर पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पर जाके आपको लॉक रिमूव करना होगा। तो लॉक रिमूव होने के बाद फिर से आपको सेटिंग्स पर एडिशनल सेटिंग्स को ओपन करना होगा। सेटिंग्स पर एडिशनल सेटिंग्स को ओपन कीजिएगा, तो एडिशनल सेटिंग्स पर आपको मिलेगा बैकअप एंड रीसेट, तो बैकअप एंड रीसेट पर प्रेस करना होगा, रीसेट फोन पर प्रेस करना होगा, इरेज ऑल डाटा करना होगा। तो इस प्रकार आप डाटा को रीसेट कर पाएंगे, सेट को फुल रीसेट आप कर पाएंगे। ये करने के बाद आपका फोन पर जितना भी डाटा है वो क्लियर हो जाएगा, फोटोज, म्यूजिक और आपका फोन पर जितना भी सेटिंग्स वो डिफॉल्ट पर आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपका हेल्प हो रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सेट स्टार्ट होने के बाद सेट आपको कंप्लीट करना होगा। सिलेक्ट रीजन, आपका जो भी कंट्री है कंट्री को सिलेक्ट करना होगा। कंट्री सिलेक्ट होने के बाद कंटिन्यू करना होगा, तो इधर टिक मार्क करके नेक्स्ट करना होगा।
वाईफाई में आपको स्पीड करना होगा। अगर आप अकाउंट को रिवोक नहीं करेंगे तो वाईफाई कनेक्ट करना होगा। अकाउंट को रिवोक करेंगे तो वाईफाई को कनेक्ट नहीं करना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप सेट को रिसेट कर पाएंगे। तो देखिए इधर बटन सेटिंग्स मिल रहा है, बटन कैसे आपको सेट करना है। तो बटन सेटिंग्स मिलेगा, मेरा सिम लॉक देना हुआ है, नेक्स्ट नेक्स्ट डन करना होगा। तो इस प्रकार आप सेट पर कोई भी सेट होगा आप इस प्रकार सेट को रिसेट कर सकते हैं। तो थैंक्स इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए।